हेलो फ्रेंड्स, मेरे रसोई घर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्रीन चटनी बनाने बताऊंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, जैसे पकोड़े, खमन, ढोकला, इडली। तो देखते हैं दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ ली हैं, इसे अच्छे साफ पानी से धो के रख रखा है मैंने। आधा नींबू है, एक पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है, और दो चम्मच मैंने दही लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में सारी धनिया पत्ती डाल देंगे, और इसी के साथ ये हरी मिर्च और अदरक का भी डाल देंगे, जीरा, नमक, आप चाहें तो इसमें काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हींग। और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब मैं इसमें दही डाल देती हूँ। इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे हम। और फ्रेंड्स, हम इसमें ये नींबू का रस रख रखा है, वो भी डाल देंगे। बस इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे धनिये की चटनी बनकर के तैयार है। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।